टूरिस्ट के लिए आप इसको किस तरह से देखते हैं? आया किस तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, वो कौन सी अमेनिटीज़ हैं कि जो अट्रैक्शन पैदा करेंगे टूरिस्ट के लिए? चूंकि जब हम बात करते हैं सीबीडी पंजाब के हवाले से, तो जिस तरह से ये रास्ते बनाए गए, जिस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, जिस तरह डे नाइट इस पर काम हो रहा है, तो यकीनन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कुछ एक मेगा प्रोजेक्ट है और पूरे पंजाब में इसने जाना है। हम उस पर भी बात करेंगे, मगर टूरिस्ट को किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे? देखिए, दो किस्म के टूरिस्ट हैं यहाँ पर जो अट्रैक्ट होते हैं। एक आपका कन्वेंशनल टूरिस्ट है जो आता है यहाँ पर, उसको क्या मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए? आपने बाबे पाकिस्तान पे एक मॉन्यूमेंट है जिस पे अभी हमने काम दोबारा शुरू कर रहे हैं, उस मॉन्यूमेंट को हम कंप्लीट करेंगे। वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के म्यूजियम्स, अच्छा, लाइब्रेरीज, अच्छा, और रिक्रिएशन फैसिलिटीज आएंगी। वो है? जो एरिया है तकरीबन 60% ग्रीन फोकस्ड है, ठीक है, वहाँ पे पार्क्स एंड अमेनिटीज होंगी। सो जो कन्वेंशनल टूरिस्ट है, एक तो वो जगह है उनके लिए जहाँ पे वो आ सकते हैं। फिर है? आपका प्रोफेशनल टूरिस्ट है जो यहाँ पे लोग आते हैं काम के लिए, जो बिजनेसेस आर फ्लरिश होंगे वो यहाँ पर होंगे, बिकॉज प्रोफेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं खास तौर पर आईटी से रिलेटेड, कमर्शियल रिलेटेड, उनके लिए यहाँ पर जो अमेनिटीज़ दी जा रही हैं, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है उनको, हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटीज़ होंगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होगी, तो वो जो फॉरेन वहाँ पर जो टूरिस्ट आएगा वो उनके लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है यहाँ पर उसके। बिल्कुल ठीक है। तो जब इतना फ्लो होगा, यकीनन पार्किंग के हवाले से भी इश्यूज होते हैं, तो हमारे लाहौर में रहते भी हैं ये इश्यूज, तो बड़ा ज़रूरी है कि पार्किंग के हवाले से कुछ प्लानिंग हो प्रॉपर। तो सीबीडी पंजाब में इस तरह से भी इस पर भी काम किया गया है? हमने जी अपने मास्टर प्लान के अंदर जो कि हमने एक इंटरनेशनल फर्म से बनाया था, उसको लिव वर्क और प्ले के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया, ठीक है। हमें अंदाज़ा था कि लाहौर के अंदर पार्किंग कंजेशन का काफ़ी इशू होता है, फैसिलिटीज़ मिलती नहीं है। हमने अपने तीन प्लॉट्स को डेडिकेटेडली पार्किंग प्लाजा में कन्वर्ट कर दिया हुआ, जिसमें एक पार्किंग प्लाजा पे ऑलरेडी काम शुरू हो गया हुआ है, ठीक है। अगर आप कलमा चौक सेंटर करते हैं तो हमारा लाहौर प्राइम स्टार्ट होता है, जहाँ पर आप एक ग्रे स्ट्रक्चर देखेंगे वो हमारा पार्किंग प्लाजा है, ठीक है। उसमें दो बेसमेंट में पार्किंग जो है ना वो अंडरग्राउंड स्टार्टिंग में ही आपने वो पार्किंग शुरू में आती है, और रोड के नीचे आप पार्किंग प्लेस है, अच्छा। और फिर ग्राउंड से ऊपर 8 फ्लोर पे, इस तरह के दो और प्लान है, ठीक है। ये तो हमारे अपने पार्किंग स्पेसेस है। उसके अलावा जब हर जो बिल्डिंग बनेगी, जितनी उसकी अकोमोडेशन वहाँ पर होगी, चाहे वो ऑफिस के लिए हो चाहे वो रेजिडेंशियल के लिए हो, वो अपनी पार्किंग स्पेस खुद बनाएंगे। सो वंस कंप्लीटेड दिस इंटायर स्पेस, इसमें यहाँ पर 25,000 गाड़ियों की पार्किंग फैसिलिटी।